धार जिले में इन दिनों एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में लगातार जिले के सभी एसडीओपी, सीएसपी और थाना प्रभारियों की नशे के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में सागर पुलिस ने सोमवार करीब 11:30 बजे मुखबिर की सूचना पर रितेश बैरागी नाम के युवक को 5 किलो गांजे के साथ घेराबंदी कर एसआईपी रोड हनुमान मंदिर के पास से पकड़ा है। पूछताछ में जानकारी मिली कि रितेश गांजे का सप्लायर है और वह किसी पार्टी को गांजा सप्लाई करने जा रहा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र भदौरिया ने सक्रियता दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के साथ घेराबंदी की और आरोपी के भागने से पहले ही दबोच लिया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। पुलिस की कार्रवाई हुई है, 5 किलो गांजा बरामद हुआ। क्या है बरामद? जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह द्वारा मादक पदार्थों के धरपकड़ के लिए एक अभियान चला रखे हैं। उसी तारतम्य में कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रितेश पिता सुंदरलाल निवासी कुंवरसी गांजा डिलीवरी करने आ रहा है, जिसे एसआईपी रोड पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया और उनके स्टाफ ने दबिश दी तो उसके पास से 5 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसे 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।